हे गाइस, वेलकम टू यूनी यूनिकर्स। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ JBL की तरफ से आने वाले इनके ट्यून 230NC। और इन हेडफोन्स के अंदर आपको मिलेगा या श्या पुशा श्या पुचकचा श्या। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तो आप कोई मूवी नहीं देख रहे जिसके अंदर मैं आपको इस हेडफोन्स के बारे में घुमाकर बताऊं। मैं बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज के अंदर वीडियो बनाता हूँ जो कि आपको समझ आ जाए और आप जिस पर्पज से वीडियो देख रहे हो वो आपका सॉल्व हो जाए और आपको इधर उधर ना जाना पड़े। तो जल्दी से बढ़ते हैं इसकी वीडियो की तरफ। तो उससे पहले जल्दी से इस चैनल सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज कर देना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये है JBL के ट्यून 230NC का बॉक्स। ऊपर की तरफ आपको JBL की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है और इधर आपको एयरफोन्स के एक्चुअल इमेज दी गई है। नीचे प्योर बॉस और जीरो नॉइस आपको देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ 5.2 की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है और ज़्यादा आपको कुछ बॉक्स के ऊपर नहीं मिलता। तो जल्दी से अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते ही इधर हमें देखने को मिल जाता है एक बॉक्स और इसके अंदर देखते हैं क्या है। और इधर हमें देखने को मिल जाती है क्विक सेटअप गाइड। सबसे पहले हमें क्विक स्टार्ट गाइड मिलती है और वारंटी कार्ड हमें इधर देखने को मिल जाता है। और इधर हमें एक पेपर देखने को मिलता है जिसके ऊपर हमें कुछ चाइनीज में लिखा हुआ मिल जाता है। तो बाकी अभी सामान को हम साइड पर रखते हैं। तो इधर हमें दो तरह की एक्स्ट्रा एयर टिप्स देखने को मिल जाती है, एक स्मॉल और एक लार्ज। और जो मीडियम वाली है वो इसके हेडसेट के अंदर आपको पहले से ही इंस्टॉल मिलती है। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा आपको सॉफ्ट मिलती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ आपको ऑफर की जाती है। और उसके बाद इधर हमें एक चार्जिंग केबल जो है वो देखने को मिल जाती है और ये आपको टैंगी ऑरेंज कलर के अंदर आपको ऑफर की जाती है जो कि JBL का सिग्नेचर कलर है और काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी केबल इधर जो है आपको ऑफर की जाती है। तो इधर हमें JBL का ब्लैक कलर का जो केस है वो देखने को मिल जाता है और ये जो है आपको मैट ब्लैक के अंदर ऑफर किया जाता है और ये जो है पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के अंदर आपको मिलता है। और सामने की तरफ आपको इधर JBL की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और साथ में ऊपर आपको बैटरी इंडिकेटर भी मिलता है। और पीछे इधर हमें एक चार्जिंग पोर्ट सी टाइप भी देखने को मिल जाती है और आप इस केस को एक ही हाथ से बंद और क्लोज कर सकते हो। और साथ में अंदर से आपको ग्लॉसी ब्लैक के अंदर ऑफर किया जाता है, तो इसको भी मैं साइड में रखता हूँ। और इधर हमें हमारे एक्चुअल ईयरफोन्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं इसको इसके बाहर निकाल लेता हूँ और ये जो है आपको स्टेम वाले डिज़ाइन के साथ ऑफर किया जाता है। तो जब आप इनके एयरफोन्स को इसके केस के अंदर डाल दोगे तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे और इधर आपको सबसे पहले वाइट लाइट मिलेगी और उसके बाद ब्लू और रेड लाइट जो है वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। तो मैंने इस TWS एयरफोन्स को अनबॉक्स कर लिया है। तो अभी मैं आपको इस हेडफोन्स के कुछ फीचर्स भी बता देता हूँ और इसकी जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है JBL के तरफ से वो भी आपको मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ, तो उसको भी आप इन्जॉय कर लो। तो ये है JBL की ऑफिशियल हेडफोन्स के लिए वेबसाइट। तो इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया, तो अभी आपको मैं इसको चलाकर दिखा देता हूँ। तो आपने सभी की सभी परमिशंस को जो है एक्सेप्ट कर लेना है और इस एप्लीकेशन से आपको मेन एक्सेस मिल जाएगा इन हेडफोन्स के साथ कनेक्ट करने का। और कुछ ऐसा सा आपको इंटरफेस जो है देखने को मिलता है। सबसे पहले इधर हमें गेट स्टार्टेड करना पड़ेगा, तो आप इधर से इसको सेटअप कर सकते हो। अभी मैं इसको स्किप करता हूँ। तो कुछ ऐसा सा इंटरफेस हमें देखने को मिल जाता है। इधर हमें दोनों की बैटरी लाइफ देखने को मिलती है और केस की भी हमें देखने को मिल जाती है। और इधर हमें अडैप्टिव साउंड कंट्रोल जो है वो देखने को मिलता है। अभी ये ANC पे है, मतलब एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन, जो भी बाहर की आवाज़ है उसको ये रोकेगा। और इसके बाद हमें इधर मिलता है एम्बिएंट अवेयर, तो जो भी बातें आपके रूम में चल रही हैं ये जो है आपको इजीली सुनने को मिलेंगी। और इधर हमें टॉक ट्रू भी देखने को मिलता है, आपको हेडफोन्स को उतारना नहीं पड़ेगा, सीधा आप इसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। और इधर हमें देखने को मिल जाता है इक्विलाइज़र, तो इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो जैसा आप चाहो, जैसे वोकल पे, बास पे, फिर आप इसको क्लब पे कर सकते हो और आप स्टूडियो पे भी कर सकते हो। और साथ में आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड आउटपुट ऑफर करेगा। तो सबसे पहले आपको इक्विलाइज़र को ऊपर करना है और प्लस के आइकन को दबाना है और आपके सामने कुछ ऐसा ग्राफ ओपन हो जाएगा और आप अब खुद अपनी मर्ज़ी से इसकी बेस, हाइज, मिड्स आप कंट्रोल कर सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट फीचर लगा मेरे को ये। और उसके बाद इधर हमें देखने को मिल जाता है गेस्चर्स, तो इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो आप लेफ़्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हो कि अगर आप सिंगल टाइम टैप करोगे तो क्या चीज़ होगी, डबल वारी करोगे क्या चीज़ होगी, कॉल कंट्रोल आप इससे ही कर सकते हो। राइट और लेफ़्ट दोनों साइड के आप टच सेंसर जो हैं वो वर्क करते हैं और आप इजीली और अपनी मर्ज़ी से इनको जो है कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो सा भी बटन आपको जिस काम के लिए रखना हो।
और इधर हमें देखने को मिलता है वॉइस अवेयर, तो आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके सराउंडिंग्स में अगर कोई लोग बात कर रहे हैं और आप म्यूज़िक सुन रहे हो, तो आपको उनकी जो आवाज़ है वो भी आपको सुनने को मिलेगी। तो आप इसको लो से लेके, मिड से लेके और हाईज तक इसको आप एडजस्ट कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स। और उसके नीचे इधर हमें स्मार्ट ऑडियो और वीडियो का सपोर्ट देखने को मिलता है। आपको जौन सा भी आपको सिलेक्ट करना है आप इधर से इजीली कर सकते हो। तो इधर आपको देखने को मिल जाता है फाइंड माय बर्ड्स। तो ये जो है ऐसे वर्क करता है कि अगर आपने बर्ड्स जो हैं अपने कई जगह पे रख दिए, तो आप इधर से एक बीप साउंड प्ले कर सकते हो, जिससे ये आपके जो एयरफोन्स है वो आपको ईजिली मिल जाएँ। तो अभी मैं आपको ये चला कर दिखा देता हूँ। तो अभी मैं आपको इन हेडसेट्स के कुछ फीचर्स भी बता देता हूँ। ये जो हेडसेट्स हैं ये आते हैं 6mm के ड्राइवर के साथ में, और इन हेडसेट के अंदर आपको Amazon Alexa और Google असिस्टेंट का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, और साथ में इनके अंदर आपको IPX4 की वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिल जाती है, और साथ में इस हेडसेट के अंदर आपको कस्टमाइजेबल गेस्चर कंट्रोल जो है वो भी देखने को मिल जाता है, और इन हेडसेट्स के अंदर आपको कंफर्टेबल फिट देखने को मिलती है। और ये जो हेडसेट है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपके कानों के अंदर फिट हो जाते हैं, और अगर आप इसको जैसे भी अपना फेस दे उसको हिलाओगे तो ये जो हेडसेट्स है तो इजीली ये जो ईयरफोन्स है आपके ईयर से बाहर नहीं आएंगे। तो कुछ ऐसे फीचर्स आपको इन हेडसेट्स के अंदर ऑफर किए जाते हैं। तो अभी मैं देता हूँ आपको इन JBL के ईयरफोन्स का एक साउंड टेस्ट। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो आ रही है डायरेक्टली इन JBL के हेडसेट से। इस हेडसेट के अंदर आपको 4 माइक्स देखने को मिलते हैं, और इसके जो माइक्स है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलते हैं, और साथ में अगर आप इनको कॉलिंग में भी यूज़ करते हो आपको डेफिनेटली एक क्रिस्प ऑडियो जो है वो सुनने को मिलेगी। तो अब बात आ चुकी है मेरे वर्डिक्ट की कि आपको JBL का ट्यून 230NC हेडसेट जो है उसको परचेज करना चाहिए कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइस, तो ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन 5200 रुपीज़ के आसपास जो है देखने को मिल जाएगा। अभी इस चीज़ का सीज़न नहीं है, दिवाली के टाइम के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट इस पर ऑनलाइन और ऑफलाइन मिल जाएगा। अगर आप उस टाइम तक वेट कर सकते हो तो ज़रूर कीजिएगा। तो मैं अपने वर्डिक्ट के बारे में अगर बात करूं, तो ये जो हेडसेट्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको ऑफ़र किए जाते हैं, और इन हेडसेट्स के अंदर आपको जितने भी फीचर्स ऑफ़र किए जाते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑफ़र किए जाते हैं। इस प्राइस रेंज के अंदर ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स ऑफ़र कर देता है आपको। इसके अंदर आपको ANC मिलता है, टॉक ट्रू मिलता है, और साथ में इसके अंदर आपको 4 माइक्स मिलते हैं, जिससे आपका जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। तो ओवरऑल जिस प्राइस रेंज के अंदर आते हैं और सभी के सभी फीचर्स कंसिडर करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगा है मेरे को, और अगर एक बार आप इन हेडसेट्स को परचेज कर लेते हो आप डेफिनेटली रिग्रेट नहीं करोगे। तो यही था मेरा कुछ वर्डिक्ट। तो प्लीज़ इस चैनल सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ कर देना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड एज ऑलवेज गेम ऑन।